खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, आज से मात्र कुछ ही घंटों बाद 2 मई 2023 को भोग विलास और सुखों के कारक देवता भगवान शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और आप सभी को पता ही होगा मित्रों कि जब भी भगवान शुक्रदेव राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव कई राशियों के ऊपर रहता है। कुछ राशियों के ऊपर शुभ रहता है तो कुछ राशियों के ऊपर अशुभ भी रहता है। मित्रों 2 मई 2023 के बाद जब भगवान शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो 4 राशियां ऐसी है जिनको नौकरी और व्यापार में अपार सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। 2 मई 2023 के बाद जैसे ही भगवान शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे, 4 राशि वालों को जीवन में वैवाहिक संबंध में मधुरता मिलेगी, नौकरी और व्यापार में तरक्की होगी, ज्ञान और विद्या में बढ़ोतरी होगी और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कर्ज से छुटकारा मिलेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, घर में माता लक्ष्मी का वास रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं मित्रों कौन कौन सी है वो 4 सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां। मित्रों मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। जैसे ही 2 मई के दिन भगवान शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और 4 राशियों के भाग्य को चमका देंगे, साक्षात माता लक्ष्मी उनके घर में वास करने लगेगी। तो चलिए सभी 4 लकी यानी कि भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शुक्रदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। आपको बता दें मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शुक्रदेव को एक शुभ यानी कि विशिष्ट ग्रह माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी होती है तो व्यक्ति को शारीरिक, भौतिक और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। यानी कि अगर शुक्र अच्छे भाव में होते हैं ना, तो ना तो शरीर से कष्ट मिलता है, ना धन से दुख होता है, ना दोस्तों वैवाहिक जीवन में कोई भी दुख मिलता है, यानी कि चारों तरफ से सुख ही सुख नजर आता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शुक्रदेव का जो गोचर है ना, वो 2 मई के दिन दोपहर 1:36 पर वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और मिथुन राशि में ये 30 मई 2023 तक शाम को 7:39 तक रहेंगे और इसके बाद चंद्रमा की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं शुक्रदेव के गोचर के बाद जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 5 राशि वालों के भाग्य को बदल देंगे। तो सबसे पहले नंबर पर जो भाग्यशाली राशि आती है उसके बारे में अपन जानते हैं, तो वो आती है मेष राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों मेष राशि में भगवान शुक्रदेव तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, ध्यान के साथ सुनिएगा मित्रों। ऐसे में मेष राशि के लोगों को अपने दोस्त और परिवारों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, लव लाइफ में भी आपके लिए बहुत ही अच्छा माध्यम बन सकता है और आपको अपने इनकम के नए नए माध्यम खुलेंगे, नए नए स्रोत खुलेंगे। दोस्तों मेष राशि वाले अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं तो आपको व्यापार में तरक्की मिलेगी, भाग्य का साथ प्राप्त होगा और इस साल 2023 में आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा पाओगे। अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह जो समय है ना 2 मई से लेकर 30 मई तक का, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम रहेगा। वहीं मेष राशि वाले अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा। और वहीं मेष राशि वाले अगर किसी से प्रेम करते हैं या किसी को पसंद करते हैं ना, तो भगवान शुक्रदेव के गोचर के बाद 2 मई के बाद मित्रों आप किसी को भी अपना प्रेम प्रस्ताव जाहिर कर सकते हैं और पूरा चांस बना हुआ है कि आपका जो प्रेम प्रस्ताव है ना वो मंजूर कर लिया जाए। चलिए जान लेते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गो माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना,
मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिष वाणी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि 2 मई 2023 के दिन जब भोग विलास और सुख समृद्धि के देवता भगवान शुक्र देव राशि परिवर्तन करेंगे, गोचर करेंगे, उस दिन एक हरे चारे का टेम्पो मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है वहां पर टेम्पो को घुमाकर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन करवाया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे, सभी को हरा चारा भोजन मिलता रहे। और मित्रों, हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए या 2000 रुपए, जो भी मित्रों आप गौ माता के हरे चारे के लिए सहयोग करना चाहो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ जो भी मित्रों दान किया जाता है, पुण्य किया जाता है, उनके ऊपर सदैव भगवान शनिदेव और साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी और कुबेर देव का आशीर्वाद रहता है और इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर मिलता है। चलिए जान लेते हैं मित्रों, भगवान शुक्रदेव की राशि परिवर्तन करने के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है ना, वो आती है मिथुन राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर का की कु बड़ा ग छ के को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों मिथुन राशि में भगवान शुक्रदेव प्रथम भाव में यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर गोचर कर रहे हैं और प्रथम भाव जो भी होता है ना मिथुन राशि का, वो होता है मित्रों प्रॉफिट का यानी कि लाभ का। ऐसे में 2 मई के बाद व्यापार में आपको काफी अच्छा मुनाफा यानी कि प्रॉफिट मिलने, लाभ मिलने की उम्मीद बन रही है। लंबे समय से आपका जो भी रुका हुआ काम है वो एक बार फिर से शुरू हो सकता है। अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता भी हासिल हो सकती है और आपके संतान की ओर से भी एक गुड न्यूज आपको मिल सकती है। व्यापार में उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी, करियर में ग्रोथ मिलेगी। कुल मिलाकर मित्रों मिथुन राशि वाले भगवान शुक्रदेव के गोचर के बाद जीवन में बहुत कुछ अच्छा और पॉजिटिव बदलाव देखेंगे, भाग्य उदय होने के प्रबल योग बन रहे हैं। चलिए जानते हैं मित्रों तीसरी जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है उसके बारे में और इस वीडियो में अपन भगवान शुक्रदेव को प्रसन्न करने के कुछ उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों तीसरे नंबर पर जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो आती है सिंह राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों भगवान शुक्रदेव सिंह राशि के एकादश यानी कि 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में सिंह राशि के लोगों को अपनी इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मई के महीने में मित्रों आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपके काम से उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे जिसके कारण आपकी पदोन्नति या इंक्रीमेंट भी हो सकता है, यानी कि नौकरी करने वालों के लिए भी समय अच्छा और उत्तम रहेगा। आप जहां कहीं भी काम करते हैं वहां पर आप प्रशंसा के पात्र भी बन सकते हैं। करियर में भी आपको तरक्की मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति यानी कि प्रमोशन होने के कारण काम का जो बोझ है वो आपके ऊपर बढ़ सकता है और आप स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सचेत रहें। वहीं दोस्तों अगर आप कुंवारे हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो इस साल सिंह राशि वालों का विवाह होने का योग भी भगवान शुक्रदेव के आशीर्वाद से प्रबलता के साथ बनेगा। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, अगर कमजोर है तो उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपको तरक्की कब मिलेगी, आपका भाग्य उदय कब होगा, आपको नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, अगर व्यापार अच्छा है तो किस चीज का व्यापार करना आपके लिए सूटेबल होगा, कुंडली के अनुसार कौन सा रत्न पहनना आपके लिए अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, और उस रत्न को पहनने की विधि क्या है, आपके प्रधान देवी देवता कौन है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरु जी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है, जैसे कि बिजनेस में आपको लगातार नुकसान जा रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है उसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जानते हैं मित्रों भगवान शुक्रदेव के गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है
देखना वो आती है वृषभ राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर ई ऊ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों वृषभ राशि में भगवान शुक्रदेव दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में वृषभ राशि वाले लोगों को 2 मई के बाद सुख समृद्धि धन संपत्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आपकी इनकम के नए नए स्रोत खुल सकते हैं। परिवार में किसी के साथ किसी बड़े आयोजन पर जाना भी शुभ साबित हो सकता है और परिवार के बीच अगर लंबे समय से कोई भी वाद विवाद चल रहा था ना, तो वो भी खत्म होने के आसार है। व्यापार में आपको मुनाफा मिल सकता है। नौकरी में तरक्की होने के प्रबल रूप से आसार बने हुए हैं। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों, भगवान शुक्रदेव को प्रसन्न करने के उपाय क्या क्या है। मित्रों भगवान शुक्रदेव अगर किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति के तमाम दुख दर्द और परेशानियां खत्म हो जाती है। हमेशा जिंदगी में सुख समृद्धि और शांति का अनुभव होता है। दोस्तों सबसे पहला उपाय है, आपको माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। दूसरा उपाय है, भगवान शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए सफेद कपड़ों का यानी कि सफेद वस्त्रों का दान करें। तीसरा उपाय है, भोजन का कुछ हिस्सा गाय कौवा या कुत्ते को जरूर खिलाएं। तीनों में से किसी एक के लिए चाहे आप आधी रोटी क्यों ना रखो, लेकिन भोजन का कुछ हिस्सा जरूर रखें। चौथा उपाय है, शुक्रवार के दिन व्रत करें, उसके ऊपर खटाई नहीं खाएं, यानी कि शुक्रवार के दिन खट्टी चीजें नहीं खानी है। अगला उपाय है, चमकदार सफेद और गुलाबी रंग का प्रयोग करें। अगला उपाय है, श्री सूक्त का पाठ करें। उसके अलावा शुक्रवार के दिन दही खीर ज्वार इत्र रंग बिरंगे कपड़े चांदी चावल इत्यादि वस्तुएं किसी गरीब या भिखारी को दान करें। अगर आप यह करोगे ना, या दोस्तों ये सभी में से कोई भी एक उपाय करोगे, तो भगवान शुक्रदेव का जो आशीर्वाद है ना, वो आपके ऊपर भर भर कर रहेगा। ओके मित्रों, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शुक्राय नमः मित्रों।